अस्सलाम वालेकुम। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द फीमेल जेनिटल सिस्टम। सो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली वो ये तीन क्वेश्चन हैं जो कि आपके पास्ट क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। सबसे पहले कहते हैं कि इंटरनल आइलिक आर्टरी की आपने ब्रांचेस बतानी है एंटीरियर डिवीजन की, ठीक है। इसके अलावा पूछते हैं कि यूट्राइन आर्टरी का कोर्स क्या है और उसकी सप्लाई भी पूछते होती हैं। थर्ड ये पूछते हैं कि पेल्विक यूरेटर जो कि पेल्विस के अंदर यूरेटर का पार्ट आ रहा होता है उसकी ब्लड सप्लाई क्या है। सो ये तीन जो है आपके यू क्यू हैं। सो लेट्स स्टार्ट ड्रॉ ब्लड सप्लाई ऑफ द फीमेल जेनिटल सिस्टम। इट्स डन, ठीक है, मैंने सारा बना लिया है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से इसकी आर्टरीज आती हैं और किस तरह से सप्लाई करती हैं। सो सबसे पहले हमने बात कर ली कि ये आ रही है एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। तो हमारे पास आ गई एब्डोमिनल एओर्टा। अब एब्डोमिनल एओर्टा जो है वो डिवाइड करेगी दो के अंदर और कौन सी ब्रांचेज देगी, वो देगी राइट एंड लेफ्ट कॉमन आइलिक आर्टरी। सो हम सपोज करते हैं कि हमारी लेफ्ट हमने ले ली लेफ्ट कॉमन आइलिक आर्टरी एंड डिवाइड करती है दो के अंदर। एक होती है इसकी इंटरनल आइलिक आर्टरी, किसकी कॉमन आइलिक आर्टरी आई एब्डोमिनल एओर्टा, कॉमन आइलिक आर्टरी, उसकी दो ब्रांचेस इंटरनल आइलिक आर्टरी और एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी। इंटरनल आइलिक आर्टरी जो है वो पेल्विक फ्लोर के अंदर की तरफ जाती है, तो ये होगी इंटरनल आइलिक आर्टरी। सपोज करें हम जाते हैं इंटरनल आइलिक आर्टरी की, क्योंकि हमारी जो ब्रांचेज आती है, बिकॉज हमारी जो मेनली आती होती है यू क्यू में आती है वो कौन सी आती है, ये वाली आती है, इसका आता है यू क्यू आता होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आती है इंटरनल आइलिक आर्टरी। इंटरनल आइलिक आर्टरी जो है वो डिवाइड होती है दो में, एक होती है एंटीरियर डिवीजन होती है इसकी और एक होती है पोस्टीरियर डिवीजन। सो ये होगी इसकी एंटीरियर डिवीजन, दूसरी होगी पोस्टीरियर डिवीजन। सो एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन की जो है फर्दर इनकी जो है ना ब्रांचेज हैं, इसकी तीन ब्रांचेज होती हैं और इसकी जो होती हैं वो तकरीबन एट ब्रांचेज होती हैं। अब आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें जो ब्रांचेस जिक्र किया हुआ है कहीं आपको जो है ना थोड़ी सी वेरिएशन मिल सकती है इसके अंदर, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि इसकी आर्टरीज जो आती होती हैं वो मेनली पर्सन टू पर्सन जो है ना वेरिएट करती है कि वो एंटीरियर डिवीजन से पोस्टीरियर डिवीजन से थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन मेनली जो एक्सेप्टेड है वो मैं आपको बता देती हूँ। हम देखते हैं कि पोस्टीरियर की कौन कौन से ब्रांचेस है। एल्दो ये पूछी नहीं गई, लेकिन हम फिर भी इसको देख लेते हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ लिहाज से। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने बता दिया कि एब्डोमिनल एओर्टा आई, ठीक है, आने के बाद डिवाइड हुई राइट एंड लेफ्ट कॉमन आइलिक आर्टरी में। कॉमन आइलिक आर्टरी जो लेफ्ट वाली है वो डिवाइड हुई इसके अंदर इंटरनल आइलिक आर्टरी के अंदर और एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी के अंदर। अब इंटरनल आइलिक आर्टरी जो होती है वो डिवाइड होती है दो के अंदर, वो होती है एंटीरियर डिवीजन में और पोस्टीरियर डिवीजन में। यह बात आपने याद रखनी है कि तकरीबन इस लेवल पे, ठीक है, जहाँ पे डिवाइड होती है इस लेवल पे जो है वो पेल्विक जो पेल्विस है वो स्टार्ट हो जाता है। होने के बाद जो है ये वाला जो लेवल आता है वो बिल्कुल अंदर की तरफ जहाँ पे फोरामिन होता है वहाँ पे ये डिवाइड कर रहा होता है। अभी एंटीरियर डिवीजन है और ये पोस्टीरियर डिवीजन है। एंटीरियर डिवीजन की जो फर्दर ब्रांचेज हैं वो कौन कौन सी हैं। एंटीरियर डिवीजन की फर्दर ब्रांचेज होती हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेनली जो होती हैं वो आठ ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, कभी सेवन भी होती है कभी एट भी होती है, मेनली एट ब्रांचेज इसके अंदर आती हैं। अच्छा, अब इस ब्रांचेज में सबसे पहले ब्रांच लिखा हुआ है अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है वो मेनली जो होती है वो फीटस के अंदर होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड को सप्लाई कर रही होती है। अब यहाँ पे इसकी क्या है, ये तो हो जाती है ख़त्म, ठीक है, जब बड़े होते हैं, लेकिन इसकी एक ब्रांच होती है जो कि बनाती है सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। ये इंपॉर्टेंट होती है, ये परसिस्ट करती है और ये सप्लाई करती है किसको, सुपीरियर पार्ट ऑफ द ब्लैडर को ये सप्लाई कर रही होती है। सेकेंड आती है हमारी ऑब्टूरेटर आर्टरी। सो नेक्स्ट हमारी ब्रांच है यूट्राइन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो है कोर्स पूछा जाता है कि कौन कौन सा उसका कोर्स है और किस तरह से ये जो है यूट्रस को सप्लाई करती है और बाकी ऑर्गन्स को सप्लाई करती है। सो हम इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद आती है विजाइनल आर्टरी। विजाइनल आर्टरी जो होती है ये रिप्लेस हो जाती है मेल के अंदर किसमें, इंफीरियर वेसिकल आर्टरी। वहाँ पर इतनी सुपीरियर वेसिकल आर्टरी यहाँ पर रिप्लेस हो गई है किससे, विजाइनल आर्टरी रिप्लेस हो जाती है किससे, इंफीरियर वेसिकल आर्टरी से मेल के अंदर जो कि होती है। अब विजाइनल आर्टरी जो होती है वो आती सप्लाई करती है किसको, वेजन को। उसके बाद है मिडल रेक्टल आर्टरी। मिडल रेक्टल आर्टरी जो है रेक्टम को सप्लाई करती है, क्योंकि रेक्टम को तीन आर्टरी सप्लाई करती है, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। जो मिडल आती है वो कौन सी आती है, इंटरनल आइलिक के एंटीरियर डिवीजन से आ रही होती है। सो नेक्स्ट है इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी। अब जो इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी होती है ये सप्लाई करती है पेरिनियम को मोस्टली, ठीक है, वहाँ जाके इसको सप्लाई करनी होती है। इसके अलावा क्लिटोरिस को भी सप्लाई कर रही होती है।
उसके बाद आती है इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, इंफीरियर होती है, उसके बाद आती है इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी, और इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी जो है वो होती होती है इसके स्पाइन से वहाँ सप्लाई आने के बाद बैकवर्ड मूव कर देती है, बैकवर्ड जो है वो ग्लूटल की मसल से सप्लाई कर रही होती है। ये सारी इसकी ब्रांचेस है, ये आपने एज सच याद रखनी है इसको। सो अगर हम बात करें इसकी पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर डिवीजन की कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, तो वो होती है सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी आ रही होती है, ठीक है, इसके अलावा इलियोलंबर आ रही होती है, और इसके अलावा लेटरल सैक्रल आर्टरी आ रही होती है, ठीक है, ये आपने जस्ट इसके नेम्स कर लेने एक दफ़ा, इस पार्ट से आ रही होती है। सो लेट्स स्टार्ट कि यूट्राइन आर्टरी कोर्स क्या होता है, जो कि आपके पास्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। सबसे पहले आपने बताना है कि यूट्राइन आर्टरी जो सप्लाई करती है मेनली किसको, यूट्रस को सप्लाई करती है, उसके सारे मसल्स सप्लाई करती है, इसके अलावा सर्विस को और वजना को सप्लाई करती है। अब इसका कोर्स किस तरह से है, सबसे पहले जो है आर्टरी आती है, आने के बाद रन करती है ये डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कहाँ रन करती है, ये करती है ऑन लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस, ठीक है, यहाँ पे जो है वो पेल्विस होता है, इस जगह पेल्विस होता है, पेल्विस के लेटर वॉल पे जो है ना वो रन करती है डाउनवर्ड, ठीक है, किस डायरेक्शन में, वैसे ही डायरेक्शन होती है जो कि यूरेटर की होती है, ये मैंने बनाया हुआ यूरेटर, ठीक है, यूरेटर इस तरह से आ रहा होता है, इसी डायरेक्शन जो है ये यूट्राइन आर्टरी डाउनवर्ड मूव कर देती है, मूव करने के बाद ये क्या करती है, फिर मुड़ जाती है अंदर की तरफ, ठीक है, इनवर्ड मूव करती है एंड फॉरवर्ड, पहले डाउनवर्ड आ रही थी पेल्विस के, ठीक है, उसके बाद जो है ना मूव करती है इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, अब फॉरवर्ड मूव करती है, इनवर्ड मूव करती है, करने के बाद कहाँ पे मूव करती है, बेस ऑफ द लिगामेंट, यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ पे सारा सारा ब्रॉड लिगामेंट आ जाएगा, ब्रॉड लिगामेंट के बिल्कुल बेस पे जो है ये इस तरह से रन कर रही होती है, रन करने के बाद जो आर्टरी होती है वो फिर मूव करती है अपवर्ड, और अपवर्ड किसके ऊपर मूव करती है, यूरेटर के अपवर्ड से मूव करती है, अपवर्ड मूव करने के बाद यहाँ पे कौन सा पार्ट है, यहाँ पे यूट्रस का पार्ट होता है फोर्निक्स वाला, ठीक है, इस तरह से, तो यूट्रस के फोर्निक्स पे ये अपवर्ड मूव करती है, करने के बाद ये अपवर्ड जाती है, किसको सप्लाई करती है, यूट्रस को, इसके साथ साथ सर्विस की ब्रांचेस आ रही होती हैं और वजना को सप्लाई भी कर रही होती है, करने के बाद ये टॉर्सली जो है ना अपवर्ड मूव करती है, करने के बाद इसमें दो तरह की ब्रांचेस देनी होती हैं, एक ब्रांच होती है इसकी ट्यूबल ब्रांच जो है ना सप्लाई कर देती है फलोपियन ट्यूब को, और इसकी दूसरी ब्रांच होती है जो कि हम कहते हैं ओवेरियन आर्टरी, ठीक है, ओवेरियन ब्रांच होती है, और ये सप्लाई करती है ओवरीज को। इसी तरह से हमें पता है कि जो ओवरीज होती हैं वो मेनली किसका पार्ट होती है, एब्डोमिन में होती हैं, बाद में वो डिसेंड करती हैं, सो इसकी जो सप्लाई आ रही होती है मेनली वो आ रही होती है एब्डोमिन एओर्टर से डायरेक्ट आ रही होती है। ये कौन सी आर्टरी है, ये है जी ओवेरियन आर्टरी है। सो ये ओवेरियन आर्टरी आती है, आने के बाद डिवाइड होती है ट्यूबल ब्रांच में और ओवेरियन ब्रांच में, सप्लाई करती है दोनों को, सप्लाई करने के बाद जिसकी ब्रांचेस आ रही होती हैं यूट्राइन आर्टरी की, ये इसे एनास्टोमोस कर देती हैं, एनास्टोमोस करने के बाद जो है सप्लाई करती हैं। सो ये इसका जो है ना यूट्राइन आर्टरी का कोर्स है। अगर हम बात करें कि यूरेटर को कौन सप्लाई करते हैं, जो कि यूट्यू है, यूरेटर की ब्लड सप्लाई कौन सी, तो अपनी ये बात याद रखनी है कि एक तो यूट्राइन आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, सेकंड जो इसे सप्लाई करती है वो सप्लाई करती है अम्बिलिकल आर्टरी की जो ब्रांच आ रही थी, कौन सी, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी आ रही थी, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी की ब्रांच आती है जो सप्लाई करती है किसको, यूरेटर को सप्लाई करती है। यूट्यूब्स हैं वो इसके अंदर कवर हो गए हैं।